अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बी ए किचन कॉर्नर। आज मैं आपको सिखाऊंगी पिज़्ज़ा डो बनाना। बहुत ही आसान है, आप इजीली इसे घर में तैयार कर सकते हैं। बट मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। सो गाइस, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, गरम पानी मैंने लिया है हसबे ज़रूरत, मैदा लिया है मैंने 1 kg, नमक लिया है हसबे ज़ायका। अगर आप नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वैसे 1 tablespoon लिया है। देन आइसिंग शुगर लिया है, ये है 2 tablespoon। अगर आपके पास आइसिंग शुगर मौजूद नहीं है तो आप सादी शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यीस्ट लिया है, ये है 2 tablespoon। मैं आपको क्लोजली भी दिखा देती हूँ, ये इंस्टेंट यीस्ट है। अब हम ये तमाम चीज़ें मैदे में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अब हम यीस्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब इसे स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसे गूंद देंगे। डो हमारी गुन चुकी है, अब मैं इसे बाउल में ऐड करूंगी क्योंकि बाद में हमने इसे रैप भी करना है। ऑयल लिया है मैंने 1 tablespoon। अपनी फिंगर टिप्स की मदद से मैं डो पे इसे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूंगी, बहुत ज़्यादा अप्लाई हमने नहीं करना। ऑयल हमारा लग चुका है, अब हम डो को रैप कर लेंगे और इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे। सो गाइज, 1 घंटा गुजर चुका है, डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से रेज हो गई थी। अब मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है और अच्छे तरीके से इसे मैं रोटी की तरह बेल लूंगी। डो हमारी बेल चुकी है, अब हम इसे तवे पर पका लेंगे। डो में बबल्स ना बने इसलिए हम फोर्क की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। सो डो में हमने सुराख कर लिए हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। जिस तरह मैंने ये डो रेडी की है इसी तरह मैं मिनी डोज भी रेडी कर लूंगी। मिनी डोज ज्यादातर स्मॉल पिज्जा यानी कि मिनी पिज्जा के लिए यूज होती है। सो गाइज, आप देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है, मैंने इसे मुख्तलिफ साइज में तैयार किया है।
मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में इन्हीं डोज़ को इस्तेमाल करते हुए आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।